एक सर्वे बताता है कि 80% इंडियंस वो गाड़ी नहीं लेते जो उन्हें लेनी चाहिए, बल्कि वो एक गलत गाड़ी ले लेते हैं। वो गलत गाड़ी या तो हम लोअर वेरिएंट में, और मोस्टली जो हम लेते हैं वो हायर वेरिएंट की गाड़ी ले लेते हैं। मतलब अगर हमें कोई 5 लाख की गाड़ी लेनी है तो हम उस पर 7 लाख रुपए खर्च करते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सर्वे बोल रहा है। तो वो 80% लोग जो गलती करते हैं, हम वो गलती ना करें। नई गाड़ी जब भी हम खरीदना चाह रहे हैं, हम उसको ठीक से खरीदें। हमें पेट्रोल लेनी है, डीजल, या क्या कौन सा फ्यूल लेना चाहिए, क्या हमारा बजट होना चाहिए, हम हैचबैक ले, सेडान ले, एसयूवी लें, और जब हम ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लेंगे तो कौन सी कंपनी गाड़ी लें, इसी चीज के ऊपर आज हम बात कर लेंगे। और नई गाड़ी लेने से पहले हमें क्या क्या प्री चेक्स, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, ताकि हम एक वो गलत गाड़ी ना उठा लें, उन 80% इंडियंस में हमारा भी नाम ना हो जो गलत गाड़ी उठा लाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ, और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले आपको अपना बजट ही डिसाइड करना पड़ेगा। इंडिया में अब गाड़ी एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं रह गई है, ये एक जरूरत है, और आपको भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही अपनी गाड़ी सिलेक्ट करनी है। आप कितना बजट डाल सकते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, किस तरीके से सिलेक्ट करना है। आप अपना बजट, हम अपना बजट सभी जानते हैं कि हमें कितना, 5 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना, 20 या 50 लाख लगाना, या उससे ज्यादा या उससे कम, वो हमें डिसाइड करना है। हम आराम से क्या बजट डिसाइड कर सकते हैं, कभी भी हमें लुक्स के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड करना है, मन से कभी नहीं करना है, दिमाग से। हमें कौन सी चीज चाहिए, क्या हैचबैक में हमारा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, उसकी बात आगे कर लेंगे कि हमें कौन सा सेगमेंट चाहिए है। अभी हम सिर्फ बजट की बात कर रहे हैं। तो बजट सबसे पहले हमें प्री डिसाइड करना है, और जब भी हम प्री डिसाइड करेंगे, कोई भी गाड़ी का अगर किसी का भी रेट लिखा हुआ है कि 6 लाख से शुरू है, तो हमेशा उसमें 1 से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक आप ऊपर लेके चलिए। अगर आपका बजट 6 लाख रुपए है, लेट से 6 लाख रुपए है, तो आप हमेशा 4 लाख रुपए की गाड़ी सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको आरसी का भी खर्चा आएगा, इंश्योरेंस का भी खर्चा आएगा, कभी कभार हम कुछ एसेसरीज भी लगा लेते हैं, तो वो जो हमारे पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं। हम सिलेक्ट ही 6 लाख की कार करते हैं, उसके ऊपर फिर ये 1-1.5 लाख रुपया ये खर्चा जाता है, तो हमारा बजट 8 लाख रुपए तक चला जाता है, और फिर वो दिक्कत हो जाती है। बजट की दूसरी बात आती है लोन ले या हम कैश लें। बहुत सी जगह मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कैश ले लेनी चाहिए, ताकि जो हमारा पैसा बचता है हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा हमारा, अगर हम 5 साल का लोन ले रहे हैं, तो वो पैसा 5 साल में बचेगा। उसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ, उससे बढ़िया रहेगा अगर आप अभी 10 लाख की, 6 लाख की गाड़ी हम पकड़ के चलते हैं, आप कैश ले रहे हैं, तो उसको कैश मत लीजिए। 2 लाख आप डाउन पेमेंट कीजिए, 4 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए, और 4 लाख आप लोन ले लीजिए, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा पैसे देगी, आप अपना लोन भी चुकाएंगे, लोन के साथ जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रहेगा वो भी चुकाएंगे, और उस 4 लाख से जो आपने इन्वेस्ट किया है कुछ ना कुछ बचा भी लेंगे। तो ये हमारी बजट की बात होगी। सबसे पहले बजट सिलेक्ट करेंगे, फिर आ जाते हैं हम फ्यूल। सेकंड नंबर है हमें कौन सा फ्यूल लेना है, हमें डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सीएनजी चाहिए, या अभी नई जो है ईवी भी चली हुई है। अब इनको कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये बात चलेगी हमारे रन के ऊपर, हमारा महीने का कितना रन है, हम गाड़ी कितनी यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका रन जो है 1000 किलोमीटर, अभी तो फ्यूल प्राइसेस जो है पेट्रोल डीजल के लगभग बराबर हो गए हैं, अगर दोनों की बात करें तो 1500 किलोमीटर, ठीक है, 1500 किलोमीटर अगर आपका मंथली रन है, तो आप, या इससे कम है, तो आप पेट्रोल ही लेंगे। डीजल की तरफ जब भी जाएंगे आपको हमेशा नुकसान ही होगा। मैं तो ये भी बोलता हूँ, बल्कि अगर 2000 किलोमीटर तक का भी आपका रन है अगर मंथली, तो भी आप जो है पेट्रोल ही लीजिए, डीजल में आपको नुकसान रहेगा, क्योंकि हो सकता है 3 से 4 साल के बाद डीजल के रेट पेट्रोल से ज्यादा हो जाए, और उस केस में फिर वो जो हम डीजल गाड़ी पर जो हम ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं खरीदने में, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर आपका रन 2000 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप डीजल ले सकते हैं, और अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ सीएनजी इजीली अवेलेबल है, तो आप सीएनजी गाड़ी भी ले सकते हैं। और रही बात ईवी की, तो अभी मैं नहीं बोलूँगा कि आप ईवी लीजिए, क्योंकि ईवी के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं आई हुई हैं। अभी अगर नाम ले तो ज़्यादातर नेक्सॉन की जो है वो चल रही है, अभी टिगोर आ गई है, और आने वाले टाइम में जो है अल्ट्रोज भी आने वाली है लगभग, मतलब अभी सिर्फ टाटा का ही है, एमजी की तरफ से भी एक ईवी आई हुई है, लेकिन जो है अभी टाटा का ज़्यादा नाम चल रहा है। तो वो चीज़ें अभी ईवी को हम छोड़ देते हैं, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की हमने बात कर ली है। जो भी फ्यूल है वो आप इसी तरीके से लेंगे, डीजल में चलाने में फन है, उसमें लो आरपीएम पे ही जो है गाड़ी बहुत अच्छी उठती है, लेकिन सिर्फ उस मजे के लिए कभी भी डीजल नहीं लेना। हर साल हो सकता है आप 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जो है डीजल पे खर्चा करेंगे अगर आपका रन कम है तो। और स्टार्टिंग में डीजल परचेज करते हैं वो महंगी भी आती है, गाड़ी महंगी आएगी तो उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, इंश्योरेंस भी हर साल आपको ज़्यादा कराना पड़ेगा, और लोन भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा,
मतलब काफी सारी चीजें, और फिर आप गाड़ी चलाएंगे कम तो ज्यादा पैसा खर्चना है, कोई फायदा नहीं है। तो पेट्रोल 2000 या उससे कम आपका रन है, 2000 से ज्यादा आपका रन है तो डीजल। अगर आपकी सिटी में जो है सीएनजी अवेलेबल है और आप सिटी में ही ज्यादातर चलते हैं तो आप सीएनजी ऑप्शन लेंगे। अब एक और पॉइंट है जिसको मैं कोई नंबर नहीं दूंगा, दो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे बीच में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्सक्राइब। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, हमें लेनी कौन सी चाहिए, हैचबैक। हाँ, सब्सक्राइब कर देना वो सिर्फ कहने के लिए नहीं था। तो हैचबैक, सेडान या एसयूवी, आजकल एसयूवी जो है बहुत ज़्यादा चली हुई है। इस सेगमेंट में 3 से 4 साल पहले 20% गाड़ियाँ बिकती थी, अब बराबर जितनी हमारी हैचबैक या सेडान बिकती है, सेडान से तो ज़्यादा ही बिकती हैं, जितनी हमारी हैचबैक बिकती हैं उतनी ही लगभग 50-50% जो है दोनों बिक रही हैं। तो हम एसयूवी की तरफ इतना क्यों भाग रहे हैं, हम इंडिया में ही, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड, बल्कि ये एक सिनेरियो बन गया है। वो सिर्फ वही बात जो मैं पहले बोल रहा था, हम लेकर ज़्यादा गलत गाड़ी आते हैं, हमारा रन जो है ज़्यादातर हाईवेज पे होता है, सिटी में होता है, वहाँ पे एसयूवी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और एसयूवी जो है आती भी महंगी हैं, हमेशा एसयूवी जो है हैचबैक से या सेडान से महंगी रहती हैं। चलिए वो बात बाद में कर लेते हैं, अभी हम यही बात करते हैं आपको लेने कौन सी चाहिए। अगर आपकी पहली गाड़ी है तो आप, अगर आपको कोई ज़्यादा ये नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलर यही चाहिए या मेरा ये, जब तक आपको एक चीज़ नहीं पता है, क्योंकि हम जब पहली गाड़ी लेते हैं हमें नहीं पता होता हमें किस टाइप की गाड़ी चाहिए, तो आप हैचबैक लीजिए जिसको हम छोटी गाड़ी बोलते हैं। उसके 2-3 फायदे ये होते हैं, एक तो जब तक आप वो गाड़ी चला लेंगे तब तक आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आ जाएगी, दूसरा जब वो गाड़ी आपकी 3 साल 4 साल 5 साल आप जितना टाइम भी उसको चलाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एक गाड़ी में कौन सी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारे पास गाड़ी नहीं है हमें नहीं पता होता कि हमें गाड़ी में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट गाड़ी जब आप लेंगे, जब आपकी सेकंड गाड़ी आएगी, तो आपको पता रहेगा एक गाड़ी में आपको क्या ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग आप वो गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपने अभी सेडान ले ली या अभी आपने एसयूवी ले ली और बाद में आपको पता चला नहीं ये तो मेरे काम की नहीं थी, तो वो जो आप एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपकी पहली गाड़ी है तो आप पेट्रोल लीजिए, अनलेस आपको ये पता है कि आपका रन जो है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा तो आप पेट्रोल लीजिए, हैचबैक में लीजिए, आपके लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगी। अगर आपके पास ड्राइवर है, आप ड्राइवर आपका जो है गाड़ी ड्राइव करता है और आपको सिर्फ बैठना है, अपने ऑफिस में जाना है या कहीं भी आपका टूर रहता है, पेट्रोल डीजल आपको क्या सिलेक्ट करना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और आपकी सिर्फ आराम की सवारी है, सिर्फ सिटी में ही आपको चलना होता है ज़्यादातर, उस केस में आप सेडान ले सकते हैं। आप पीछे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, क्योंकि सेडान जितना जो आराम आता है वो किसी भी गाड़ी में नहीं आता है, वो लो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लो होता है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है उसकी लो होती है, इसलिए अगर आपको सिर्फ सिटी पे चलना है, ख़राब रास्तों पे नहीं चलना है, ड्राइवर चला रहा है या अगर आप भी चला रहे हैं और आपको सिर्फ बिल्कुल आराम चाहिए है तो आप जो है सेडान सेलेक्ट कर सकते हैं। एसयूवी किसको लेनी चाहिए, एक तो वही बात आ गई, हम आजकल दिखाते ज़्यादा हैं, कुछ ये ट्रेंड भी चला हुआ है। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप एसयूवी ले सकते हैं। ख़राब रास्तों पर आपको चलना है, आपके जहाँ आप रास्ते में चलते हैं वहाँ ब्रेकर्स जो हैं ज़्यादा ऊँचे हैं, या कहीं रास्ता अगर ख़राब है, या आपको कहीं घूमने के लिए जाना है जहाँ आपको पता ही नहीं, आपकी फ्रिक्वेंट जो है ज़्यादातर आप लॉन्ग रूट्स पर चलते हैं, तो आप जो है एसयूवी खरीद सकते हैं। अब इन चीज़ों को खरीदने में आपको कौन सी गाड़ी खरीदने, कुछ फ़ीचर्स की भी हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन से फ़ीचर्स के ऊपर, कौन से फ़ीचर्स को तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेन पेपर लेना है, उस पर आपको लिख लेना है कि आपको क्या क्या चाहिएगा। कुछ फ़ीचर्स हैं, सनरूफ, इंडिया में मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ किसी को भी कि आप सनरूफ वाली गाड़ी लें, आपकी गाड़ी की जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होती है, ठीक है, साथ में ऊपर से जो है गर्मी आती है, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई माहौल है नहीं कि हमें धूप की ज़रूरत होती है। देखिए सनरूफ किस लिए आई थी, जो हमारे ठंडे देश होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक धूप नहीं निकलती है, तो उन्होंने सनरूफ लगाई, जब भी वो ऑफिस जाते हैं और बाई चांस तब सूरज निकल जाता है तो वो सनरूफ खोलते हैं और उनको जो है सूरज की गर्मी मिल जाती है, विटामिन डी जो भी उनको चाहिए होता है। हमारे यहाँ पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, हम वैसे ही धूप से बचते घूमते हैं और हम ऊपर से सनरूफ, जब उसका नाम ही सनरूफ है सन के लिए, हम तो वैसे ही ढकवाते रहते हैं, हमें अब मैं साइड में ये लगा रखा है, गाड़ी से उतरने का मन नहीं करता, हम सनरूफ और लगवा लें, हमें सन की इतनी ज़रूरत है कहाँ। और रही बात वो उसमें से निकल के फ़ोटो खिंचवाना, तो मेरे ख्याल से आप 4 से 5 बार ऐसा करेंगे और फिर वो बंद रहेगी, और जब ज़्यादातर टाइम तक ये बंद रहती है ना सनरूफ, तो उसमें बार बार अगर आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो ख़राब होने के चांसेज हैं, और बहुत सारी जगह पे मैंने देखा उसमें से पानी की लीकेज है या वो ढंग से काम नहीं कर रही है, और गाड़ी में एक्स्ट्रा जो गर्मी बनती है वो भी है। तो सनरूफ का फीचर मैं कभी नहीं रिकमेंड करता हूँ इंडिया में कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है,
आप चाबी एक बार घुमाएंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, या आपने बटन दबा दिया वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ना तो आपको उस बटन को कुछ करना है, ना ही आपको उस चाबी का कुछ करना है, तो दोनों में आपको उतना ही एफर्ट लगाना है। तो पुश स्टार्ट स्टॉप आप छोड़ सकते हैं, आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। एक और अगर हम फीचर की बात करें कि हमें और कौन सा फीचर छोड़ देना चाहिए, ऑटोमेटिक जो हेडलैम्प्स हैं, रात होती है तो लाइट्स अपने आप जल जाती हैं, या हम यहाँ से लीवर से उसको घुमा के एक बार ऑन कर देते हैं, वो खुद से ऑन हो या हमें लीवर से ऑन करना है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि रात को ऐसा नहीं है कि हमें बार बार वो बंद करनी और ऑन करनी और ऑटोमेटिक हमारे काम आएगी। ऐसे ही ऑटोमेटिक जो वाइपर्स हैं, हाँ ये थोड़े काम के आ सकते हैं, क्योंकि ये बारिश की इंटेंसिटी के हिसाब से तेज़ कम हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी वजह से जो है आपको कुछ पैसा बच रहा है तो वो पैसा भी आप बचा सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप छोड़ सकते हैं। कुछ और भी हैं भाई, अगर हमारा कूल्ड ग्लो बॉक्स है, कोई ज़्यादा काम नहीं आता वो, क्योंकि जो एसी की ठंडक यहाँ आ रही है वही उसमें भी जाती है, वहाँ कोई अलग से फ्रीज़र नहीं लगा हुआ कि वो उसको ठंडा कर देगा, ठीक है। इसके बदले हम कौन से फीचर्स ले सकते हैं, इंडिया में गर्मी ज़्यादा रहती है, आप रियर एसी वेंट्स लीजिए, पीछे जो हमारे पैसेंजर बैठेंगे वो जल्दी ठंडक महसूस करेंगे, गाड़ी जल्दी ठंडी होगी। आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं, ये फ़ीचर्स आप छोड़ दीजिए कि एक वेरिएंट कम ले लीजिए, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी लीजिए। आपको बार बार जो है क्लच प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी जो पैर है और आपकी जो आत्मिक शांति वो बढ़ेगी, आपको बार बार गियर्स नहीं चेंज करने पड़ रहे कौन सी गियर में, वो सब आपकी गाड़ी करेगी। तो ये फ़ीचर्स आप लिख लीजिए कौन से उसमें ज़रूरी हैं नहीं हैं, और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कीजिए। और चौथा पॉइंट जो हमारा आ जाता है, चौथे पॉइंट से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी आपको लेनी है, आपको प्लानिंग करनी है, आज नहीं कर रहे दो साल बाद करनी है, या पुरानी की भी कर रहे हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा मेरे से कंसल्ट कीजिए, कोई पैसा नहीं है उसका ले रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ ये है कि आपसे मेरा कनेक्ट रहेगा और आप लोगों से बात हो जाएगी, कुछ आप बताएंगे कुछ मैं बताऊंगा, आपस में शेयर करेंगे तो बात बनी जाएगी। तो जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जब आपने ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, आपका बजट कितना है, आपको कौन सा फ्यूल यूज़ करना है, और आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, मतलब कौन सा हैचबैक लेनी है, सेडान लेनी है या एसयूवी लेनी है, जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, अब हमें चलना है इंटरनेट की तरफ या शोरूम की तरफ। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी कंपनी की गाड़ी लेनी है। कभी भी प्री डिसाइड ना करें गाड़ी को देखकर कि मेरे को ये अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी हम बाद में लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी गाड़ी ज़्यादा टाइम तक अच्छी नहीं लगती, उसके नए वेरियंट्स आते रहते हैं। मैंने नेक्सॉन ले रखी है, ये भी मेरे को हो सकता है ये अच्छी लगी या ना लगी, ठीक है। मैंने जिस भी वजह से ली थी, इसका भी नया वेरियंट आ चुका है, जो आज ले रहे हैं हो सकता है दो साल के बाद ये फिर से अपग्रेड हो जाए। तो गाड़ियाँ तो पुरानी होती रहेंगी और नई गाड़ियाँ आती रहेंगी, तो लुक्स पे आप कभी भी मत जाइए, और लुक्स वैसे भी सब्जेक्टिव होती है, हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद है तो कोई देख के बोल दे यार ये क्या गाड़ी लेके चल रहा है। तो आप लुक्स पे कभी ना जाएं, मेरे को उस कंपनी की अच्छी लग रही है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो फीचर्स लिखे हैं, जो आपने बजट बनाया है, जो आप गाड़ी देख रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलें। गाड़ी आपको लेनी है, आपका पैसा लग रहा है, कंपनियाँ तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट करती रहेंगी, वो तो ऐसे ही दिखाती रहेंगी। तो कौन सी कंपनी करनी है आप पहले डिसाइड कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि उनमें किस में क्या फ़ीचर हैं, ज़्यादा फीचर्स किस पे मैच कर रहे हैं, उसके बाद आप शोरूम का रुख कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको शोरूम पे जाके किस तरीके से उसकी टेस्ट राइड लेनी है, गाड़ी को कैसे जाँचना है, परखना है, आपके अकॉर्डिंग वो सेट हो रही है नहीं हो रही है, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को बताइएगा ज़रूर, और इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, या नेक्स्ट वीडियो में आप क्या क्या चाहते हैं, मैं क्या कौन सी चीज़ें कवर करूं जब आप शोरूम पे जा रहे हैं, तो सब आप मेरे को बता सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।